गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम निकिता शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सिक्कर, क्लास फोर्थ। सब्जेक्ट है मैथ्स, चैप्टर है फोर सब्ट्रैक्शन, पार्ट है इसका 13, एक्सरसाइज है इसकी 4.3 और इसमें हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वर्ड प्रॉब्लम का। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है महेश, महेश नाम का एक व्यक्ति है। महेश, एनुअल का मतलब क्या होता है? पूरे साल की। तो देखो महेश एनुअल इनकम इज रुपीज 4,23,500, ठीक है। और देखो एंड हिज वाइफ, उसकी तो इतनी है, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी की कितनी है? तो उस हिज वाइफ एनुअल इनकम, उसकी वाइफ की एनुअल इनकम कितनी है? एनुअल इनकम, टू लैख 18,600। ओके, महेश की तो है 4,23,500 और एंड हिज वाइफ एनुअल इनकम और उसकी वाइफ की है 2,18,600। तो हाउ मच मोर डज महेश अर्न देन हिज वाइफ। देखो इसमें बोला है कि महेश है और एनुअल का मतलब होता है पूरे एक साल की वार्षिक। तो महेश एनुअल इनकम इज़ रुपीज़ 4,23,500। महेश की जो एनुअल इनकम है वो है 4,23,500 और हिज़ वाइफ एनुअल इनकम और उसकी वाइफ की एनुअल इनकम कितनी है? 2,18,600। तो हाउ मच मोर डज महेश अर्न देन हिज वाइफ। तो महेश है वो कितना ज़्यादा कमाता है अपनी पत्नी से, कितना ज़्यादा अर्न करता है हिज वाइफ अपनी वाइफ से। तो देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे महेश एनुअल इनकम, महेश की एनुअल इनकम। तो महेश की एनुअल इनकम कितनी है? 4,23,500, ठीक है। ये तो महेश की एनुअल इनकम है। फिर हिज वाइफ एनुअल इनकम, फिर क्या लिखोगे? हिज वाइफ, हिज वाइफ्स एनुअल इनकम और आपको उसकी वाइफ की भी एनुअल इनकम लिखनी है। तो उसकी वाइफ की एनुअल इनकम क्या है? उसकी वाइफ की एनुअल इनकम है 2,18,600। अब आपको बताना क्या था कि महेश है वो अपनी वाइफ से कितना ज़्यादा अर्न करता है। तो देखो डिफरेंस इन इनकम, सो
डिफरेंस मतलब अंतर, डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी, डिफरेंस इन इनकम। तो हमें क्या देखना है कि इनकम में, दोनों की इनकम में कितना डिफरेंस है। तो देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएंगे ज़ीरो और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ज़ीरो। अब फाइव में से सिक्स लेस नहीं हो सकता है तो अब बोरो करना पड़ेगा, तो फिफ्टीन यहाँ पे रह जाएगा टू। तो फिफ्टीन में से सिक्स लेस करना है आपको, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन से सिक्स, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो क्या बचा आपके पास नाइन। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे नाइन। अब टू में से एट तो लेस नहीं हो सकता है ना, तो यहाँ पे वन और यहाँ पे हो जाएगा ट्वेल्व। ठीक है, ट्वेल्व में से आपको एट लेस करना है, तो ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट लेस किया तो क्या बचा फोर। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे फोर। वन में से वन लेस किया तो ज़ीरो, फोर में से टू लेस किया तो टू। अब देखो आपको क्या बताना है, आपको डिफरेंस बताना है कि कितना है। तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड और लैख, तो टू लैख फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड, ये जो है उनकी इनकम में डिफरेंस है महेश और उसकी वाइफ में, कि महेश है वो इतना ज़्यादा अर्न करता है हिज वाइफ अपनी वाइफ से। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है वो क्या है कि ए मिल्क डेयरी प्रोड्यूस, एक जो मिल्क डेयरी है वो कितना मिल्क प्रोड्यूस करती है। तो ए मिल्क डेयरी प्रोड्यूस्ड थ्री थाउजेंड थर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड फाइव, थर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड फाइव लीटर लीटर ऑफ मिल्क इन वन मंथ, इन वन मंथ एक महीने में, एक जो डेयरी है वो 37,805 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब देखो इफ़ इट इज सप्लाइड टू टू टाउन्स, दो टाउन्स में वो क्या करती है दूध की सप्लाई करती है। ठीक है, इफ़ इट इज़ सप्लाइड टू टाउन्स, अगर वो दो टाउन्स में दूध की सप्लाई करती है। ठीक है, और 14,308 लीटर टू वन टाउन, अगर एक टाउन में वो 14,308 लीटर दूध सॉरी जो मिल्क है वो अगर सप्लाई करती है, तो हाउ मच मिल्क वॉज सप्लाइड
टू द सेकंड टाउन। ठीक है, तो देखो एक जो मिल्क डेयरी है वो 37,805 लीटर है जो मिल्क प्रोड्यूस करती है। अगर वो दो टाउन्स में मिल्क की सप्लाई करती है और 14,308 लीटर एक टाउन में करती है, तो आपसे पूछा है कि हाउ मच मिल्क वॉज सप्लाइड टू द सेकेंड टाउन। तो वो सेकेंड टाउन में कितना मिल्क है उसकी सप्लाई करती है। तो आप सॉल्यूशन लिखो इसका। तो आप लिखोगे इसमें टोटल मिल्क प्रोड्यूस कि भाई टोटल जो मिल्क है वो इतना प्रोड्यूस करती है, तो है 37,805। ठीक है, अब देखो कि वो क्या करती है, एक टाउन में इतना सप्लाई करती है, तो सप्लाइड टू वन टाउन, कि वन टाउन में कितना सप्लाई करती है, 14,308। अब आपसे पूछा है कि सेकंड टाउन में कितना सप्लाई करती है, तो आप लिखोगे सप्लाई टू सेकंड टाउन, सप्लाइड टू सेकंड टाउन। ठीक है, अब देखो लेस करते हैं, 5 में से 8 लेस नहीं हो सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, आपको बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, पर सेकंड यही नहीं है, तो सबसे पहले यही बोरो करेगा। ठीक है, तो ये इससे बोरो करेगा, तो यहाँ पे तो हो जाएंगे 7 और यहाँ पे हो जाएंगे 10, बट ये इससे बोरो करेगा तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 9, तो 15 में से 8 लेस करने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेस किया तो कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये आ गए 7। 9 में से 0 लेस किया तो 9, फिर 7 में से 3 लेस किया तो 4, 5, 6, 7, तो 4, 7 में से 4 लेस किया तो 3, और 3 में से 1 लेस किया तो 2, 23,497 लीटर। आगे क्या लिखना है आपको, लीटर दूध सप्लाई करते हैं सेकंड टाउन के अंदर। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।